सरकार तुम्हें बेहतरीन है, हम सरकार की बुराई तो नहीं कर सकते। काम मिलो है, कुछ मिलत है, कलोनी ही दिन है, आप काटेंगे। सरकार के काम सही नहीं रहा है, झूठे वादे रहे, 15 खाएंगे खाते में, बेरोजगारी, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और यही हम जानने पिछला इलाके में आए हैं बांदा के कि भाजपा के 10 साल कैसे रहे और जनता आगे जो आने वाले चुनाव है इस पर किन्हें देखने वाली है। पता क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शमीम अहमद। ये बताइए कैसे रहे 10 साल सरकार? सरकार तो ये बेहतरीन है, हम सरकार की बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हैं जिसके तहत हम इसको हटाना भी चाहते हैं। हाँ। क्या क्या गड़बड़ियाँ? अब गड़बड़ियों के बारे में मत करो, जो मामला है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप मुझको देख रहे हैं और बस वही सारी गड़बड़ियाँ अच्छी हो। स्थानीय मुद्दे क्या हैं? अब चुनावी मुद्दे तो हमको नहीं मालूम, उन्होंने क्या रखे हैं। हम चाहते ये हैं कि हर आदमी को समानता के साथ रहने का अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को दादाई दाल मिल रहा है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बात तो सही नहीं, नहीं तो सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कहना तो, करने में अंतर है, कहने में और करने में अंतर। सबसे बुरा क्या है इस सरकार में? एक बार हम ज्यादा बात न करें, कोई से बात करने में मजा नहीं आया। सरकारी लाभ तो मिले ही होंगे? हाँ, सरकारी लाभ जो मिल रहा है, देखिए गेहूँ चावल मिल रहा है, बस यही लाभ मिल रहा है। सांसद कौन सा अच्छा लगता है? सांसद किस पार्टी का ठीक है भाई? अभी तो हमारे पास वर्तमान में भाजपा का ही सांसद है। हाँ। नहीं, अब चुनाव में जो आगे खड़े हैं, इंडिया गठबंधन आ गया और BSP ने भी उतार दिया है। क्या अब देखिए, मेरी नॉलेज में तो नहीं, उत्तम जो नरेश द्विवेदी थे, अब आगे की बात आगे देखी जाएगी, क्योंकि अभी तक तो हमारी नोटिस में ये बात ही नहीं आई कि कौन कौन आदमी यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। हमारी नोटिस में नहीं है, कहीं जात आप देख रहे हैं, कहीं कुछ ही नहीं है। तो किस तरफ जाने वाला है वो कुछ आगे? ये तो प्रत्याशी दिखाई दे सामने, तो हम आगे बात करें। बदलाव की बात तो सोचते हैं। क्या नाम है? और होना चाहिए। अरे यार क्या, अरे बताइए, अच्छा 10 साल कैसे रहे सरकार की? बढ़िया रहे है? बढ़िया रहे, खूब गल्ला पानी खवा वही कहा है। स्थानीय मुद्दे हैं सब कुछ है। अच्छा ये बताइए क्या लग रहा है इस बार ये गठबंधन जो है? हाँ, खूब लाभ मिलत है, खूब मिलो है, खूब लाभ मिलो है, खूब मिलत है, कलोनी ही दिन है, आप काटेंगे। निकल कौन रहा है? अब निकलेगा भाई, जो आप खा बताओ जा कौन निकल रहा है? अब चुनाव अब घोषित हो, अब चार हो तो हम कुछ समझ चाहे होती होंगी चर्चाओं में कुछ? अब हमारे यहाँ कोई चर्चा नहीं होती यहाँ। अच्छा, अब नेता जी से बात करिए। मोहम्मद नासिर मंसूरी। बताइए कैसे रहे सरकार के 10 साल? सरकार की तो वैसे हमारे हिसाब से सरकार का काम सही नहीं रहा, झूठे वादे रहे, 15 खाएंगे खाते में, ना तक आए, और जिन पार्टियों ने विकास किया उन पार्टियों को सफारा कर दिया, उनको तानाशाही सरकार चला रहे हैं। तानाशाही सरकार। अब जनता का रुझान बदल चुका है, जनता जागरूक हो चुकी है। जैसे आपके पीपल पेपर लीक, आज तक इस सरकार में किसी युवा लड़के को नौकरी मिली हो तो आप बता दीजिए, कोई युवा लड़का कह दे। हरजनों का जो आरक्षण है, हरजनों को आज तक नहीं कोई नौकरी मिली। मायावती की सरकार है, अखिलेश की सरकार है, इनमें कांग्रेस केंद्र में रही है तो इनको बराबर जो 27% हरजन को मिलता रहा, 100 में 27 नौकरी हरजन को जाती रही है, 1% मुस्लिम को नौकरी है भी नहीं भी, अगर पढ़े लिखे लड़का है तो उसको मिल गई, वरना नहीं मिली। तो ये सरकार तो तानाशाही सरकार है, सरकार किसी लायक नहीं है, वहाँ कोई विकास नहीं, कोई काम नहीं है। 5 किलो राशन गेहूँ में जनता को बेवकूफ बना रही है, जनता को बेवकूफ बना रही, राम मंदिर के आड़ में लोगों के दिल के साथ खेल रही है। जो बेचारे सीधे साधे लोग, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जो आस्था में जो है धर के और हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत रही है, बस और कहीं कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सही रहती है? हमारे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट देना चाहिए। अच्छा। हाँ, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी ने कह दिया 1 लाख
महिलाओं को आएंगे, सिलाई मशीन मिलेगी, 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। तो जो विकास और नौकरी और देश के हित में बात करे उसको वोट देना चाहिए, और ये ऐसी ताकत वाली पार्टी को नहीं देना चाहिए जो तानाशाही सरकार चलाए। कोई सच्चाई बोले उठा के जेल में डाल दो, कोई सच्चाई बोले उठा के जेल में डाल दो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, उन्हीं की भाजपा की लोगों की नहीं चल रही है। सिर्फ अमित शाह, मोदी और जो है आपके जो है संघ आए उसके भागवत, बस 4 जनों की चल रही है इस पार्टी। उन्हीं के जो विधायक है, सांसद है, उन्हीं की नहीं सुनाई हो रही, उन्हीं के कार्यकर्ता को काम नहीं हो रहा। जो भाजपा के कार्यकर्ता वही बेचारे परेशान है, उन्हीं को कोई काम नहीं हो रहा। महेश कुमार साहू, कैसे रहे सरकार की तरफ से? सरकार बहुत अच्छी है और शांत करती है बहुत अच्छा। और हमारे मोहल्ले में एक खासियत है कि नल नहीं आता, न कुआं का पानी छोड़ा जाता, ये गलती है सबसे बड़ी, ये खासियत है जी। मतलब हमने ये बताया कि नल का पानी नहीं छोड़ा जाता, सरकार सही है, इस करने से करनी चाहिए। क्या लगता है इस बार? इस बार भाजपा की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, सांसद कैसे हैं आप? सांसद बहुत बढ़िया है जी। तो भाजपा ही ले जाएंगे इस बार जी? बदलाव जी, मोदी जी बनेंगे केंद्र में जी। और भैया क्या नाम है? क्या नाम है? अशोक श्रीवास। कैसे रहे सरकार? सरकार तो पूरी दुनिया देख रही कि कैसी रही, विकास के मुद्दे से हट के सरकार चल रही है। बेरोजगारी, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, हर वर्ग का आदमी परेशान है, और सरकार अच्छी है लोग बात कहते हैं। लोग कह रहे हैं राष्ट्र हित में हम जो है वो क्या देश को जाने का है, जो है विश्व में सबसे ऊपर ले। इसके पहले आज से 10 साल पहले क्या राष्ट्र हित में यही था? सरकारें नहीं चलती थी, यही भर राष्ट्रवादी है। भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवादी है, बाकी कोई पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, सब विदेश से आई है। क्या पार्टी है? स्थानीय मुद्दे क्या है? स्थानीय मुद्दे ये है कि विकास होना चाहिए, बेरोजगारी दूर हो, किसान को जो है MSP माफ हो, ये सब मिलना चाहिए उनको। किसकी सरकार अच्छी है? हम लोग तो इंडिया गठबंधन के साथ है। अच्छा, बदलाव बिल्कुल बदलाव होगा। मणिपुर से देख लीजिए, भगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, खरीदे जा रहे हैं। तो ये यहाँ फुटला इलाके की जनता थी, काफी भाजपा सरकार के कुछ तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं और काफी नाराजगी दिख रही है। और इंडिया गठबंधन के जो वादे हैं, चुनावी जो वादे किए गए हैं, उस पर बहुत से लोग भरोसा करते भी नजर आ रहे हैं। अब ये तो चुनावी परिणाम ही बताएंगे कि ये जो जीत का सहरा है तो किसके सर बनने वाला है। श्रेष्ठ यूपी के लिए बांदा से दीपक कुमार पांडे। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।